हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, काफी महिलाओं के मन में डाउट रहता है कि हमारा गर्भ धारण हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पीरियड मिस हो गए तो उसी दिन आपका गर्भ धारण होता है। पीरियड मिस से एक सप्ताह से 8 दिन पहले आपका गर्भ धारण हो चुका होता है। उसी दौरान से आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स बनते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चेंजेस लेकर आते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा खास चेंज आता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को लेकर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही महिला को पीरियड्स आते हैं उसके बाद से ही आपके बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे ही अगर आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना चाहती हैं तो ओव्यूलेशन के लिए भी बेसल बॉडी टेम्परेचर का आपको नोट करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिसके बेस पे आप अपना ओव्यूलेशन भी ट्रैक कर सकती हैं। आपको रोजाना मॉर्निंग में उठकर अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। 14, 15, 16 डेज में आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है, जो कि ओव्यूलेशन की तरफ इशारा करता है। उसके बाद आप संपर्क में आती हैं, बच्चा बनता है, आपके गर्भ में आकर चिपकता है। इम्प्लांटेशन के बाद ये बेसल बॉडी टेम्परेचर में गिरावट नहीं आती है, ये एज इट इज ही रहता है। तभी तो कई बार महिलाओं को इसी टेम्परेचर के कारण गर्मी महसूस होती है, प्यास बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसमें गिरावट ना आए, ये बेसल बॉडी टेम्परेचर एज इट इज ही रहे तो आपका गर्भ धारण हो चुका है, ये प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि इस दौरान आपके यूट्रस को यानी कि आपकी बॉडी को एक सही टेम्परेचर की नीड होती है बच्चे को अंदर चिपकाने में, जिसके कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा पिक पकड़ता है, जो कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको महसूस हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा पिक पकड़ा हुआ है और गिर नहीं रहा, तो आप गर्भ को धारण कर चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी मन में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।